मार का प्रशासन सर, उंगली तोड़ दिया है सर। हम इनका पास से 5 साल से नौकरी के लिए जा रहे हैं, लेकिन आज तक नौकरी नहीं मिला है। ये शेमफुल है मंदसौर इनके लिए। निहत्थे लोगों के ऊपर इस प्रकार का वार करना बिल्कुल भी कहीं से भी उचित नहीं है। ये जितना भी गुंडागर्दी करना है कर ले, लेकिन ये सरकार को उखाड़ के जनता। तो देखिए, एक और कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। हमें गोला मार दिया सरकार ने, यह निकम्मी सरकार। अब 4 महीने में उखाड़ कुछ दिख नहीं रहा है। सरकार जो है, क्या दिक्कत है आपको? ये आग का गोला, युवा को पैर में आंसू गैस फटा। आप देखिए, हम लोग घर भी जाना चाह रहे हैं। दोनों मुख्य मार्ग को देखे, दोनों पे आंसू गैस का गोला। आप एक बार, ये हेमंत सरकार सबसे झूठा मुख्यमंत्री है, आदिवासी को ठगने वाला मुख्यमंत्री है। ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में रहना चाहिए था। लाठी, पानी, डंटा, यहाँ का कोयला चोर सरकार, मुर्गी चोर सरकार, युवाओं के साथ खेलने वाला सरकार, हेमंत सोरेन सरकार। नमस्कार, हमारे साथ बिरंची जी हैं। किनको लेके जा रहे हैं? हमारे बोकारो के युवा मोर्चे के हमारे अध्यक्ष हैं विशाल आनंद जी। इनका पैर फट गया, वो अश्रु गैस का गोला इनके पैर के पास आके फट गया। आप लोगों पर जो जिस तरीके से वाटर कैनन आंसू गैस गोले दागे जा रहे हैं, नहीं, ये बहुत ही दुखद है। ये शेमफुल है हेमंत सोरेन के लिए। निहत्थे लोगों के ऊपर इस प्रकार का वार करना बिल्कुल भी कहीं से भी उचित नहीं है। ये जितना भी गुंडागर्दी करना है कर ले, लेकिन ये सरकार को उखाड़ के दम ले। उग्र क्यों हुए वो? हम लोग उग्र नहीं है, हम लोग शांतिपूर्वक हैं। देखिए, बिरंची नारायण है और बोकारो के एक कार्यकर्ता है, वो घायल हो चुके हैं, उनको ले जाया जा रहा है। क्या हुआ आप लोगों पर, क्यों ऐसा सवाल किया गया? आंसू गैस छोड़ा जा रहा है कार्यकर्ता पर, लाठी, पानी, डंटा, यहाँ का कोयला चोर सरकार, मुर्गी चोर सरकार, युवाओं के साथ खेलने वाला सरकार, हेमंत सोरेन सरकार। जल्दी सत्ता से हटाया जाएगा हेमंत सोरेन को। बिरंची नारायण है। तो देखिए किस तरीके से जो है मोराबादी का ये नजारा आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे इस वक्त जो है बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो बैरिकेटिंग के पार जाना चाह रहे थे। हालांकि जख्मियों को जो है यहाँ से अस्पताल ले जाया जा रहा है। इसी तरह से और भी तस्वीरें आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, वो आक्रोशित हैं। अब वो लगातार जो है हेमंत सोरेन के खिलाफ जो नारेबाजी कर रहे हैं। क्या हुआ था बताइए? अभी तो देखिए 5 साल में कुछ मिला चाहे ना मिला, लेकिन ये मारपीट, गोली, एक अभी आपका सामने तुरंत एक लड़का को लेकर जा रहा है। देखिए गोली, बारूद, ये सब करेगा। ये जनता को लग रहा है कि ये सब के लिए नाकार सरकार है। ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार के बारे में सोचेगा। देखिए 5 साल में अपना भाई को बना दिया, अपना बीवी को बना दिया। देखिए, तो देखिए एक और कार्यकर्ता घायल हो गए हैं, एक और कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। इन्हें घायलों को ले जाया जा रहा है। लगातार कार्यकर्ता घायल हो रहे हैं, देख सकते हैं। बड़ी तस्वीर मोराबादी से आपको दिखा रहा हूँ, मोराबादी से बड़ी तस्वीर। युवा यहाँ पर है, क्या हुआ आप लोग पर? क्या देखिए, अभी एक युवा को पैर में आंसू गैस फटा। आप देखिए, हम लोग घर भी जाना चाह रहे हैं। दोनों मुख्य मार्ग को देखे, दोनों पे आंसू गैस का गोला। आप एक बार कैमरा मैन उधर दिखाइए, उधर घर जाने का रास्ता उधर है, उधर भी पूरा धुआं धुआं है। मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। ये हेमंत सरकार सबसे झूठा मुख्यमंत्री है, आदिवासी को ठगने वाला मुख्यमंत्री है। ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में रहना चाहिए था। जो जेल से कैसे इन्हें कोर्ट छोड़ा है, कैसे सरकार इसको लाया है, कैसे सरकार में मुख्यमंत्री बना है, इस पे CBI जांच होना चाहिए, फिर से इसको जेल भेजना चाहिए। ये बहुत बड़े घोटाले। बैरिकेडिंग क्यों तोड़े आप लोग? हम लोग कुछ नहीं तोड़े हैं, ये प्रशासन करने के काम किए हैं। ये सारा चीज प्रशासन का दोष है। ये मुख्यमंत्री के इशारे पे कर रहे हैं, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हमारे बीजेपी का सरकार। जिस तरह का बैरिकेडिंग इस बार लगाया गया, मैं पिछले 25 साल से भाजपा में हूँ और आंदोलन में बहुत मैंने देखा है, इस तरह से कटीला बैरिकेडिंग पहला तो होता नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ता को घायल करने के उद्देश्य से लगाया गया है। और इस तरह का जो आंसू गैस जो छोड़े जा रहे हैं, मार का प्रशासन सर, उंगली तोड़ दिया है सर। देखिए ब्लड पूरा उंगली समय लगा है सर, देखिए। ठीक ना, ये सरकार गिट्टी बालू माइनिंग का चोर आदमी है, बिना चलान का सप्लाई करते हैं। ठीक ना सर, हम इनका पास से 5 साल से नौकरी के लिए जा रहे हैं, लेकिन आज तक नौकरी नहीं मिला है। 5 साल बोला था 5 लाख नौकरी मिलेगा सर, लेकिन आज तक एक भी युवा को नौकरी नहीं मिला सर। देखिए मार के तोड़ दिया सर, आज तक अभी खोलेंगे। देखिए आपको खोल के बोलिए, दिखा देता हूँ। पैसा पैसा किया प्रशासन को, वो अपना पूरा पूरा बोला ताम झाम से जनता को मारो।
बोलता है मेरा आगे कुछ नहीं है। देखिए सर, कार्यकर्ता क्या हुआ है आपको बताइए। हमें गोला मार दिया सरकार ने, ये निकम्मी सरकार, हम चार महीने में उखाड़। क्या हुआ? ये युवाओं पे अत्याचार है। हम शांति पूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हो गाले दे रहे हैं और ऊपर से हमें आगे भाई करके अपाहिज बनाने की कोशिश। ऐसी युवा सरकार को हमारी युवा मोर्चा तीन महीने में उखाड़ फेंकेगी। देखिए, हम लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग। क्या हुआ? दिख नहीं रहा भैया, खुश दिख नहीं रहा। सरकार जो है, क्या दिक्कत है आपको? ये आग का गोला आंसू गैस से पूरा दिख नहीं रहा भैया। ये सरकार निकम्मी सरकार है। ये निके सरकार ने बोला था 5 लाख नौकरी देंगे, क्या हम लोग नौकरी नहीं मांगे? क्या अपना पैसा नहीं मांगे? बेरोजगारी भत्ता बोला था, कहाँ है बेरोजगारी भत्ता? कहाँ गया पैसा? हम लोग मांगे तो दिक्कत है, दिक्कत है। क्या कहिएगा? हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था हम लोग वही मांगने आए। हम लोगों ने 5 लाख नौकरी के वादा के बारे में पूछा। क्या कहिएगा? पे आग बरसाई जा रही है। हम लोग स्टूडेंट अपनी नौकरी मांगने की राज्य हम लोग पे आग बरसाई दे जा रही है। हेमंत सोरेन से कहना चाहते हैं कि आप 5 लाख रोजगार कहाँ गया? 5 लाख रोजगार आपका। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंक कोर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। द followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in